अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो भाई आज मैं बनाने वाला हूँ मसाला बोटी, ठीक है। आज मैं खुद अपने घर पे बना रहा हूँ अपने हाथ से। तो ये है गोश्त, ठीक है, और गोश्त इसी तरह का ही होना चाहिए मसाला बोटी में, रवा वाला, थोड़ा चर्बी वाला, इससे जायका निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं मसाले। तो मसाले के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ले रहा हूँ हल्दी, हल्दी डाल दी हमने इतनी, ठीक है। अच्छा, ये जो गोश है ना, ये 3 पाव गोश है, ठीक है। कितना? 3 पाव गोश है। हल्दी हमने डाल दी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कुटा हुआ धनिया, ठीक है। कुटा हुआ धनिया हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच। कुटा हुआ धनिया हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच। 1 चम्मच के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर। अच्छा, गरम मसाला पाउडर की जो चम्मच है ना, हम छोटी वाली यूज़ करेंगे और सिर्फ इतना ही डालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ गए जीरा पाउडर, ठीक है। जीरा पाउडर भी हम लेंगे छोटी चम्मच और इतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। होता क्या है कि सिर्फ जीरे की खुशबू रह जाएगी, इसमें होगा कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग अगर लाल मिर्चें डालना चाहे पीसी तो डाल सकते हैं। मैं लाल मिर्चें इतनी यूज नहीं करता, ना मैं खाता हूँ मिर्चें इतनी, ठीक है। अगर आप लोग स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप लोग डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। मैं इसमें डालूंगा कुटी हुई मिर्चें। इसमें मसाला जितना कुटा हुआ जाता है उतना टेस्ट ज़्यादा निकलता है। कुटी हुई मिर्चें भी मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतनी सी डालूंगा, ठीक है। ये हमने डाल दी कुटी हुई मिर्चें। कुटी हुई मिर्चें के बाद हम डालेंगे अब नमक। नमक आप लोग जितना टेस्ट में खाना चाहे उतना डाल सकते हैं। मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से नमक डाल दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन चीज पे। मेन चीज आप ये देख सकते हैं, अदरक लहसुन भी है इसमें, हरी मिर्चें भी है पीसी हुई, और कच्चा पपीता भी है, ठीक है। इसको हम अच्छी तरीके से हिला के फिर इसमें डाल देंगे, ठीक है। चलो भाई, ये आ गई है बारी इसको मिक्स करने की। मिक्स किस तरीके से करना है आप ये चीज़ लाजमी देखिएगा। मैं कोई चम्मच वम्मच का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि मैं पहले भी घर में बनाता था खाना। मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं चम्मच का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं सीधा अपने हाथ का इस्तेमाल करूँगा। तो आइए देखे मिलता कैसे है। उसको अच्छी तरीके से हिला लेना है, और हिलाने के बाद डायरेक्ट हम चूल्हे पे नहीं चढ़ेंगे इसको, 5-6 घंटे के लिए इसको हम लोग फ्रिज में डाल देंगे, ठीक है। फ्रिज में डालने के बाद फिर जब इसकी वीडियो बनेगी तो जाहिर सी बात है वो भी रिकॉर्ड होगी। ये देखें, मसाला बड़ी अच्छी तरीके से लग रहा है इसमें। अच्छा, ये बनेगी मसाला बोटी सूखी बोटी, ठीक है। एक होती है शोरबे वाली, यही रस वाली, वो चीज़ नहीं होगी। वो भी मैं इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं लाजमी वीडियो डालूंगा बना के। ये हमारा लग चुका है इसके ऊपर मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से, जा देख सकते हैं एक एक बोटी के अंदर हमारा मसाला लग गया है, ठीक है। अब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला वसाला मिक्स करके फ्रिज में डालेंगे, ठीक है। फिर हम इसको निकालेंगे 5-6 घंटे बाद। यहाँ पे अभी फिलहाल हम वीडियो को रोकते हैं, अच्छी तरीके से इसको हिला लिया जाए ताकि एक एक बोटी पे अच्छे से मसाला लग किया जाए इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, मिर्ची आप लोग जितना तेज खाना चाहे उतनी डाल सकते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है, ठीक है। नमक जितना आपको रखना हो उतना आप लोग रख सकते हैं। तेज खाने वाले तेज रखे, हल्का खाने वाले हल्का रखे, ठीक है। ये देखें, एक एक बोटी के ऊपर मसाला बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लग चुका है। और इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा 5 घंटे बाद हम इसका आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे। तो मिलते हैं 5 घंटे बाद। 6 hours later.
तो भाई 5 घंटे पूरे हो गए, ठीक है। अभी हमने निकाल लिया, आप देख सकते हो मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से चढ़ चुका है। अब हम इसमें करेंगे थोड़ा ऑयल, डाल दिया इसमें एक और ये आधा, ठीक है। हमने कर दिया साइड से, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। मिलाने के बाद करना ये है, चूल्हा हमने स्लो कर दिया है, ठीक है, और इसको हम इसमें मूव कर देंगे। मूव करने के बाद इसकी आंच को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको ढक देंगे, ठीक है। पौना घंटा लगेगा, या हो सकता है पौने घंटे से 5-10 मिनट ऊपर भी हो जाए। बड़ी जबरदस्त बूटी बनने वाली है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताता चलूं, इसको खाएंगे किसके साथ, या आते फीके बन जो बकरा ईद पे मिलते हैं, ठीक है। ये स्पेशली अभी इस टाइम पे आपको मिलेंगे किधर, शक्कर स्वीट्स वाले के पास, गार्डन पे बेकरी है शक्कर स्वीट्स। इसको इसके साथ खाने में और इमली की चटनी हो या केचप हो या ये आलू बुखारे की चटनी हो, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। आलू बुखारे की चटनी तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। अब जब बन जाएगा, थोड़ा बीच में एक शूट में आपको दिखा दूंगा, जब रेडी हो जाएगी इसके बाद मैं आपको पूरी तरकीब बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। Much later. भाई हमारी मसाला बोटी हो गई है तैयार पूरे 1.5 घंटे में, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देख, ठीक है। ये देखें, मैं आपको पानी की एक बूंद नजर नहीं आएगी, फुल मसाला बोटी बनी हुई है, ठीक है। मसाला अगर आपको ज्यादा रखना हो तो ज्यादा डालिएगा, कम रखना हो तो कम डालिएगा, ठीक है। और नमक वमक का जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जितना आप लोग खा सकते हैं, जितना तेज आप लोग खा सकते हैं उतना आप लोग रखिएगा। तो दोस्तों ये आ गई हमारी मसाला बोटी, अब हम इसे सर्व करेंगे और खाएंगे उसी बन के साथ जो हमने आपको दिखाए थे, जो शक्कर चलाए थे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।